आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा तरकुलानी रेगुलेटर के पंपिंग स्टेशन और 145 करोड़ से अधिक की 10 परियोजनाओं का भी किया गया लोकार्पण। रिवरफ्रंट घोटाले में सीबीआई द्वारा यूपी के साथ पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी सीबीआई की जारी रही छापेमारी। बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के गोरखपुर आवास पर भी हुई तलाशी। गोरखपुर के खोराबार पीएससी अस्पताल के फार्मासिस्ट की पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा पिटाई के मामले ने पकड़ा तूल, हड़ताल जारी। बस्ती में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। और बलिया में जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 10 के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज, 5 गिरफ्तार। अब सत्य घटना विस्तार। अपने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राप्ती नदी के मौलाना बांध पर बनाए गए तरकुलानी रेगुलेटर के पंपिंग स्टेशन का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर मंडल में बाढ़ नियंत्रण की 145 करोड़ से अधिक की 10 परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरा होने से इस क्षेत्र के करीब 32,000 की आबादी को बाढ़ की त्रासदी से मुक्ति मिलने के साथ साथ 2,838 हेक्टेयर कृषि भूमि के काश्तकारों को भी फायदा होगा। तरकुलानी रेगुलेटर की क्षमता के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 1 घंटे में रामगढ़ ताल के पानी को बाहर फेंक सकता है। तरकुलानी रेगुलेटर केवल एक पंपिंग स्टेशन नहीं है, खेती बाड़ी को बचाने के साथ ही साथ इस पूरे विकास खंड के अंदर इंसेफ्लाइटिस और मस्तिष्क ज्वर जैसी बीमारी से बचाव का माध्यम भी बनेगा। लेकिन जब पहले ही बाढ़ में मैंने देखा कि पूरा खोराबार विकास खंड जलप्लावित हो गया है, तो मुझे लगा कि 50,000 परिवारों के लिए यानी 2 लाख की आबादी के लिए इसका बनना बहुत आवश्यक है। और तब से हमने प्रयास प्रारंभ किया कि तरकुलानी रेगुलेटर का निर्माण समय पर हो, लोग बाढ़ से बच सके, बीमारी से बच सके, जनधन की हानि रुक सके। और उसकी क्षमता कितनी है मालूम है? अगर रामगढ़ ताल के पानी को कहा जाएगा कि बाहर करना है तो मुश्किल से 1 घंटे में पूरे रामगढ़ ताल के पानी को उड़ेल करके फेंक देगा। रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई द्वारा यूपी में लखनऊ के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, आगरा और गोरखपुर में एक साथ छापेमारी की कार्रवाई आज चलती दिखी। रिवर फ्रंट घोटाले में बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के गोरखपुर के शाहपुर स्थित निवास पर सीबीआई की छापेमारी हुई। यूपी के साथ पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी सीबीआई की छापेमारी जारी रही। सीबीआई ने लखनऊ की एंटी करप्शन विंग ने रिवर फ्रंट घोटाले में करीब 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। फिलहाल अभी कोई कुछ भी बोलने से बच रहा है। बताते चले कि मेधावल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश सिंह बघेल के भाई का नाम भी रिवर फ्रंट घोटाले में सामने आया था, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। बीते दिनों गोरखपुर जनपद के खोराबार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एक फार्मासिस्ट को पुलिस द्वारा पीटे जाने के बाद आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से आक्रोशित सभी चिकित्सक आज
हड़ताल पर बैठ गए। आपको बता दें कि आक्रोशित चिकित्सकों और कर्मचारियों ने कुछ दिन पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो वे चिकित्सकीय सेवाओं का बहिष्कार करने को बाध्य होंगे। चिकित्सकों के हड़ताल पर बैठने की वजह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हम लोग आए हैं, नोटिस दिखा रहे हैं, बंद है। उसमें लिखा गया है कि वैक्सीन का काम चालू रहेगा और सभी काम बंद रहेगा। और हम लोगों को यहाँ बुला करके आए हम लोग, सुबह से 2 घंटा हो गया, अभी कुछ पता ही नहीं चला, लगेगा बंद रहेगा, कुछ फाइनल पता ही नहीं चल रहा है। बलिया जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान सपा कार्यकर्ताओं द्वारा राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी को गाली देने का वीडियो वायरल होने के मामले में बलिया पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी, पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और सपा जिला अध्यक्ष राम मंगल यादव समेत कईयों पर FIR दर्ज करके इनके आवासों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि बलिया में बीते शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष पद की मतगणना के बाद सपा कार्यालय पर प्रदेश सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी के खिलाफ गाली गलौज का वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री उपेंद्र तिवारी के भतीजे अश्वनी की तहरीर पर पुलिस ने निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी, उनके पिता एवं पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और पूर्व जिला पंचायत सदस्य अमित यादव समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद और सैकड़ों अज्ञात आरोपी बनाया गया था। माननीय मंत्री जी हैं, उनके संबंध में इन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई है कि उनको अपशब्द, उनके संबंध में अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। सर, नामजद आरोपियों में प्रमुख रूप से कौन है? इसमें नामजद आरोपियों में करीब 10 लोग हैं, जिनमें राजमंगल यादव हैं, विकास ओझा हैं, प्रेम प्रकाश यादव हैं आदि, ये सब हैं। अभी इनको वेरीफाई कराया जा रहा है कि कौन लोग मौके पर मौजूद थे और कौन नहीं थे, और जो वीडियो वायरल हुआ है इसके इसकी भी पहचान की जा रही है कि और किसके द्वारा जो है जो भी अपशब्दों का प्रयोग किया गया है उसको भी हम चिन्हित कर रहे हैं। बस्ती पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके 25,000 के इनामी बदमाश श्याम सुंदर आखिरकार पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, बस्ती जनपद के नगर थाना क्षेत्र स्थित मैनिया में आज तड़के पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें नगर थाना क्षेत्र के नारायणपुर के रहने वाले हिस्ट्री शीटर श्याम सुंदर को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए हिस्ट्री शीटर के पैर में गोली लगी है। इस मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया है। बस्ती पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश कप्तानगंज में हुई लूट समेत कई मामलों में वांछित था, जिसकी काफ़ी दिनों से तलाश की जा रही थी। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज 5 जुलाई की प्रातः थाना नगर क्षेत्र के अंतर्गत हमारी टीमों की मुठभेड़ अपराधियों के साथ में हुई, जिसमें जवाबी फायरिंग में एक अपराधी घायल हो गया और एक अपराधी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अपराधी जिसको पैर में गोली लगी हुई है, उसका नाम श्याम सुंदर है। इसके ऊपर थाना नगर से और अन्य थाना क्षेत्रों से करीब 1.5 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं। ये थाना नगर का शीटर भी है। अब वर्तमान में ये कप्तानगंज की एक लूट में वांछित था। इसका दूसरा साथी जो कप्तानगंज की लूट में वांछित है, वो भागने में सफल रहा। उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगी हुई हैं। ये मुठभेड़ करने में थाना नगर, थाना कप्तानगंज और एंटी व्हीकल टीम रही। इन सबको जो ये बदमाश था, इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। ये इनाम की धनराशि इनको दी जाएगी और इन बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। गोरखपुर जिला अस्पताल के क्षय रोग विभाग में अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा हैप्पीनेस किट वितरण कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत क्षय रोग से ग्रसित गोरखपुर जनपद के 290 बच्चों को हैप्पीनेस किट का वितरण किया गया। उसी क्रम में आज खाद्य सामग्री के साथ साथ बच्चों को पढ़ने के लिए आवश्यक सामग्री दी गई है। आज से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे और जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा द्वारा अक्षय पात्र गोरखपुर संस्था के मैनेजर राजीव कुमार के सहयोग से दिए गए हैप्पीनेस किट का वितरण किया गया। इस दौरान कलेक्ट्री से सुभाष झा और डिस्ट्रीब्यूशन से दुर्गेश पांडे, श्री राम विनीत कमलेश उपस्थित रहे। ये अक्षय पात्र एक संस्था है जो कि कुछ न्यूट्रिशियस चीज़ दे रही थी, जिसमें खाने पीने की रॉ मटेरियल थे। और चूँकि टीबी जो है न्यूट्रिशन से भी जुड़ी हुई है, अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, अच्छा पोषण मिलता है तो टीबी के मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो इस संस्था द्वारा एक अच्छी पहल शुरू की गई है कि
जो भी बच्चे इससे ग्रसित हैं उनको कुछ पोषक खुराक दिया जाए, जिससे कि और टीबी के दवाइयों के साथ साथ इनका भी जता रहेगा, तो ये इस बीमारी से लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा न्यूट्रिशन के कारण उनका जो हेल्थ होता है वो प्रॉब्लम ना रहे, जो बच्चे हैं जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं, यही हमारी। कब तक चलेगा ये वितरण? लगभग 6 महीने तक चलता रहेगा कंटिन्यू। और जो हम पूरे गोरखपुर जनपद में जितने भी हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, नगर क्षेत्र में जो पढ़ते हैं, उन लोगों को भी हम एक ग्रोसरी किट का वितरण करेंगे। गोरखपुर में साप्ताहिक लॉकडाउन के बाद सोमवार को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय के MRI भवन में कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है और संक्रमण रोग चिकित्सालय गोरखपुर में कोवैक्सीन लगाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि नागरिक एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। यहाँ न तो सोशल डिस्टेंसिंग है और ना ही लोग व्यवस्थित तरीके से लाइन में लगकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। जाहिर तौर पर यहाँ पर लोग वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संभावित तीसरी लहर को संभव बना रहे हैं। यहाँ कोई सुरक्षा कर्मी भी नहीं है जो इस भीड़ को काबू करे। ये लापरवाही कहीं आगे चलकर महंगी ना पड़ जाए। स्वास्थ्य विभाग की इस पर बिल्कुल भी नज़र नहीं है। यहाँ नागरिकों की खुद भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार द्वारा लागू किए गए कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें, लेकिन यहाँ पर प्रोटोकॉल की पूरी तरीके से कमर तोड़ी जा रही है। ये दूसरा डोज लगवाना है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये हो गया 1.5 घंटे से, लाइन में खड़े हैं। बताइए, उस साइड का दिया जा रहा है कि यहाँ पे कोरोना बढ़ाएगा और बढ़ाएगा कोरोना। कोई नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराह्न 2 बजे पूर्व सांसद स्वर्गीय शरद त्रिपाठी के पैतृक आवास गोरखपुर खडनी क्षेत्र स्थित झुड़िया गांव पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम झुड़िया में देवरिया सांसद रमापति राम त्रिपाठी से मिलकर 40 मिनट तक वार्ता किए। स्वर्गीय शरद त्रिपाठी के पिता देवरिया सांसद रमापति राम त्रिपाठी को दुख की घड़ी में उन्होंने ढांढस बंधाया। रमापति राम त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। स्वर्गीय शरद त्रिपाठी 2014 में लोकसभा चुनाव में संत कबीर नगर के सांसद चुने गए थे। देवरिया सांसद रमापति राम त्रिपाठी और उनके परिवार को स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश, श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने भी ढांढस बंधाया। इस अवसर पर खजनी प्रमुख उम्मीदवार प्रत्याशी अंशु सिंह, क्षेत्रीय संभ्रांत नागरिक शिवजी सिंह, भाजपा नेता विनोद पांडे, सतीश उपाध्याय, हिंदू वाहिनी नेता अंशु मलिधर दुबे, गुलाब तिवारी, देवरिया जिला के भाजपा मंडल अध्यक्ष अभय चंद्र तिवारी सहित क्षेत्र के सैकड़ों नेता उपस्थित रहे। शिक्षक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की एक अहम बैठक आजमगढ़ जनपद के भवरनाथ स्थित गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज परिसर में जिला अध्यक्ष बालकेश दुबे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रांतीय मंत्री शैलेश राय ने सरकार से शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए तत्काल महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति अब इतनी खराब नहीं रह गई है कि सरकार महंगाई भत्ता के प्रति कोई बहाना बना सके। आज पूरे प्रदेश में सरकारी उदासीनता के कारण शिक्षक और कर्मचारी परेशान हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रांतीय मंत्री शैलेश राय ने कहा कि अगर उनकी सरकार मांगों को नहीं मानती है तो उसका खामियाजा आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। हम लोगों ने निर्णय लिया है सरकार हम लोगों को दिए नहीं बढ़ा रही, पिछले 2 साल से कोरोना के नाम पर रोकी है। ये बहुत ही दुखद है। पूरे देश में अब इतना बड़ा आर्थिक संकट नहीं है कि कर्मचारियों को दिए न दिया जा सके। इससे लगता है कि सरकार कर्मचारी विरोधी है और हम लोगों ने आज संकल्प लिया है अगर सरकार का यही रवैया रहा तो 2022 में इनका विरोध होगा और आगे एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करके निश्चित रूप से कर्मचारियों के भविष्य के लिए काम किया जाएगा।
सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।